हेलो नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों का सवाल जवाब था लिस्टर इंजन के बारे में। तो आपने कमेंट में सवाल किया था, उसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो प्लीज़ देसी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर जो मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं रोज़ एक नई वीडियो डालता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये लिस्टर इंजन है जो कि आप देख सकते हैं, डबल व्हील वाला लिस्टर इंजन। तो ये अभी तो बरसात का सीज़न है, तो इसीलिए मैंने इसको ढक के रखा हुआ है, क्योंकि ये खेत में लगा हुआ है तो इसको मैंने ढक के रखा है। तो आप लोगों का सवाल जवाब था कि ये कितने एक घंटे में कितना तेल कंज्यूम करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस चीज़ पे चला रहे हैं। तो अगर जो आप इसको जनरेटर पे चलाते हैं और अपने घर का नॉर्मल खर्च इस पर देते हैं, मतलब लोग देते हैं, तो ये आपका आधा लीटर प्रति घंटे के हिसाब से डीजल खपत करेगा। और अगर जो आप इस पे चलाना चाहते हैं, इस पे पंखे पे चलाना चाहते हैं, पानी निकालना चाहते हैं, तो ये आपका जो नॉर्मल स्पीड होगी इंजन की उस पे 1 लीटर खाएगा। और अगर जो स्पीड आप बढ़ाएंगे तो 100 लीटर खाएगा घंटे में। तो डीजल की खपत हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उस वीडियो में कमेंट किया था, पिछली वीडियो में आपने कमेंट किया था कि कितना डीजल खाता है, तो वही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और किसी का इंजन पुराना होता है या फिर नया होता है तो कम ज़्यादा डीजल में होता रहता है, क्योंकि नया इंजन होगा तो वो कम डीजल खाएगा, इससे भी कम डीजल खाएगा, और इंजन पुराना होगा तो ज़्यादा डीजल खा सकता है। तो इंजन अगर जो आपका पुराना हो गया है तो उसमें 3-4 पार्ट्स होते हैं जो उसको आप चेंज कर दें, नाजिल, प्लेंजर, ये सब होता है, इसको आप चेंज कर देंगे तो आपकी डीजल की खपत कम हो जाएगी। अभी हमें 2-3 महीने हुए इसका मैंने चेंज करवाया था, तो डीजल की खपत कम हुई है। और ये देख लीजिए आप इंजन, ये आपको दिखाते हैं, इसका मैंने ये भी चेंज कराया था, ये स्पीड स्लो करने और फास्ट करने वाले। तो इसको अगर जो नॉर्मल स्पीड पे चलाएंगे पानी में तो ये 1 लीटर खाएगा। अगर जो हाई स्पीड पे चलाएंगे, हाई स्पीड मतलब थोड़ा हाई स्पीड में जिसमें फुल पानी देता है जितने पे उतने पे चलाएंगे तो 100 लीटर खाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।